हेलो एंड वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स। दोस्तों आपको मालूम होगा रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक यूनियन टेरिटरी और एक स्टेट में इलेक्शन के डेट्स यानी उसके शेड्यूल डिक्लेयर किए हैं। स्टेट है हरियाणा, हरियाणा स्टेट और जम्मू एंड कश्मीर यूटी में रिसेंटली हमारी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने डेट्स अनाउंस किए हैं, इलेक्शंस के डेट अनाउंस किए हैं। तो ये इस वजह से ये टॉपिक जो है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो टॉपिक है हमारा वो बन जाता है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। बिकॉज आपको पूछा जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता है, जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, कितने इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं और कितने चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उनका टर्म्स कितना होता है। ओके, फिर दूसरी चीज़, ये टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज रिसेंटली 2023 में हमारी स्टेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने एक लॉ लाया है किसके लिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंटमेंट के लिए उन्होंने एक लॉ लाया है जिसका नाम रखा है CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर बिल 2023। ओके, सो होता क्या था एक्चुअली, जो सबसे पहले चीज़ के ये इलेक्शन कमीशन होता क्या चीज़ है, इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्शन कमीशन होती है, ये इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है बिकॉज, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्यों बोला, बिकॉज ये मेंशनड है, इसका नाम मेंशन किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अंडर आर्टिकल 324 जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें क्या कहता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना है इलेक्शन कमिश्नर्स उसको अपॉइंट करने हैं जितनी उसको नीड होगी। ठीक है, ये प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा कि कितने इलेक्शन कमिश्नर्स की मुझे नीड है, तो वो उस हिसाब से उतने इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करता है। ओके, तो हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका मेंशन है अंडर आर्टिकल 324, इसको इस्टेब्लिश किया जाता है इलेक्शन कमीशन को। दूसरी चीज़, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए मैं सबसे पहले बताता हूँ, एक होता है कमीशन, एक होता है कमेटी। आपने ये काफ़ी बार सुना होगा, कुछ बॉडीज़ को कहा जाता है कमीशन, कुछ बॉडीज़ को कहा जाता है कमेटी। ओके, ये कमीशन क्या होता है और कमेटी क्या होता है। जो कमीशन होता है ना, कमीशन में क्या होता है कि हमेशा जो कमीशन में जो मेंबर्स होते हैं वो हमेशा अपॉइंटेड होते हैं, उनको अपॉइंट किया जाता है, उनको गवर्नमेंट या कोई प्रेसिडेंट गवर्नर वगैरह अपॉइंट करता है। बट जो कमेटी होती है ना, कमेटी में जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, आपको डायरेक्टली कभी पूछा भी जा सकता है, आपके कॉमन सेंस के लिए आपको पता होना चाहिए कि कमीशन और कमेटी में क्या डिफरेंस होता है। कमीशन में जो मेंबर्स होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है और वो हमेशा जो होते हैं वो सिविल सर्वेंट्स वगैरह होते हैं। ओके, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं। बट जो कमेटीज़ होती हैं, कमेटीज़ में इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी म्युनिसिपल कमेटीज़ होती हैं। ओके, म्युनिसिपल कमेटीज़ होती हैं, तो वो क्या होती हैं, वो कमेटीज़ होती हैं, वो कमीशन नहीं होती, बिकॉज वहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं, म्युनिसिपैलिटीज़ के जो मेंबर्स होते हैं जिनको कॉरपोरेटर्स वगैरह कहते हैं, तो उनको इलेक्ट किया जाता है, उनको कॉमन सिटीजन इलेक्टर्स जो वोटर्स होते हैं वो इलेक्ट करते हैं। बट जो कमीशन होती है उनको गवर्नमेंट डायरेक्टली उसके मेंबर्स को अपॉइंट करती है। ओके, दूसरी चीज़ कि ये जो इलेक्शन कमीशन है इसका काम क्या है, इलेक्शन कमीशन का काम होता है टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इलेक्शन कमीशन का काम होता है कंडक्ट करवाना फ्री और फेयर इलेक्शन। ओके, फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाना, किसके इलेक्शन कंडक्ट करवाना, तो ये करवाता है कंडक्ट किसके इलेक्शन, इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन किस किस के करवाता है, सबसे पहले ये करवाता है
लोकसभा के इलेक्शन, इलेक्शन कमीशन का काम होता है लोकसभा के इलेक्शन को करवाना, ओके, देन राज्यसभा के इलेक्शन करवाना, राज्यसभा के जो एमपीज़ होते हैं उनके इलेक्शन कौन करवाता है, उनको करवाता है ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है, ओके, देन हमारे प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन करवाता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। आपको डायरेक्टली यही क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में कि ईसीआई किस किस के इलेक्शन करवाता है, उसमें आपको ऑप्शन होगी लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, या आपको म्युनिसिपल कमिटीज़ का नाम डाल देंगे, ठीक है। तो म्युनिसिपल कमिटीज़ और जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होते हैं, पंचायत के इलेक्शन, उनको ईसीआई नहीं करवाता, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करवाता, उनके जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होती है उसको, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होती है वो करवाती है। तो ये आपको याद रखना है, आपको डायरेक्टली कन्फ्यूज़ करने के लिए ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ओके। तो आपको पता होना चाहिए कि ईसीआई जो होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो किस किस के इलेक्शन करवाता है, लोकसभा के, राज्यसभा के, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ओके, वाइस प्रेसिडेंट के भी इलेक्शन कौन करवाता है, उसके इलेक्शन भी हमारा ईसीआई करवाता है। देन हो गया स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, देन हो गया हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जो स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं, एमएलएज के इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन जो होता है वो भी ईसीआई करवाता है, ओके। देन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिनको एमएलसीज कहते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो इलेक्शन होते हैं वो भी कौन करवाता है, वो भी ईसीआई करवाता है, ओके। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि आपको डायरेक्टली यही क्वेश्चन आएगा कि ईसीआई जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो किस किस के इलेक्शन करवाता है, ओके। तो लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ओके, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपके लिए, अब इशू क्या है, यहां पर इशू ये है कि आज से पहले, बिफोर द, ये जो मैंने बिल है, जो एक्ट है सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, ये जो हमारा बिल है, इसके आने से पहले जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते थे या चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स होते थे, उनको अपॉइंट किया कैसे किया जाता था, तो उनको अपॉइंट किया जाता था बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करते थे, अपॉइंटमेंट कौन करता था, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता था, बट उनको सिलेक्ट कौन करता था, एक सिलेक्शन कमेटी होती थी, एक सिलेक्शन कमेटी होती थी, उस कमेटी को हेड कौन करता था, सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होता था, सिलेक्शन कमेटी में होता था एक प्राइम मिनिस्टर और जो हमारे लॉ मिनिस्टर होते थे, और जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती थी, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता था वो कुछ नाम बोलते थे प्रेसिडेंट को कि ये इनको आप इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर आप अपॉइंट कर दे। बट उसमें प्रॉब्लम क्या थी, उसमें प्रॉब्लम ये थी कि हमारी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग बॉडी थी, ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, उसने बोला कि हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने बोला कि जब आपको इलेक्शन कमिश्नर वगैरह अपॉइंट करने हैं तो गवर्नमेंट को उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ओके, बिकॉज आपको पता है कि गवर्नमेंट जब के इलेक्शंस होंगे, अगर गवर्नमेंट खुद अपने इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करेगी तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसमें बायसनेस हो सकती है, जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं वो बायस्ड हो सकते हैं टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, कि बाई चांस अगर कोई ऐसा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अगर वो वायलेट करते हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट करते हैं तो उस पर जो इलेक्शन कमीशन होगी वो एक प्रॉपर जजमेंट नहीं देगी। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, उसने बोला कि जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनको गवर्नमेंट अपॉइंट ना करे, एक न्यूट्रल बॉडी होनी चाहिए जो उनको अपॉइंटमेंट करे। उसी वजह से
होता क्या है कि 2023 में हमारी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप एक लॉ लाओ, एक कानून लाओ जिसके थ्रू आप इलेक्शन कमिश्नर्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करो। ओके, जब तक आप लॉ नहीं लाते, ओके, जब तक आप लॉ नहीं लाते तो आप एक जो अगर आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर या कोई इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करना है तो उसमें जो उसको जो सिलेक्ट करेगा उसमें कौन कौन होगा, उसमें एक प्राइम मिनिस्टर होगा, उसमें एक प्राइम मिनिस्टर होगा, उसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। ओके, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोला। बट गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बोला, गवर्नमेंट ने एक लॉ ले आई, गवर्नमेंट लॉ ले आई कि हम, गवर्नमेंट ने लाया कि लॉ, उस गवर्नमेंट ने लॉ में क्या लिखा, गवर्नमेंट ने लॉ में लिखा कि हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बीच में इंक्लूड नहीं करेंगे, हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह हम किसी और को डालेंगे, वो होगा कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करेंगे, तो कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर उस सिलेक्शन कमेटी का मेंबर होगा। ओके, तो जब नया लॉ लाया तो उसके अंदर गवर्नमेंट ने बोला कि हम जो उसमें सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स होंगे उसमें होगा प्राइम मिनिस्टर, देन होगा लीडर ऑफ ऑपोजिशन, देन होगा कैबिनेट मिनिस्टर। तो ये है इशू यहाँ पर। ओके, तो जो ऑपोजिशन पार्टीज वगैरह थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको क्रिटिसाइज किया कि आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर क्यों निकाला है। ओके, आपने लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो ठीक है, एक कैबिनेट मिनिस्टर आपने रख दिया, तो इसमें क्या होगा, इसमें जब आपको पता है कि किसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर या कमिश्नर को जब सिलेक्ट करेंगे तो उसमें मेजॉरिटी देखी जाएगी। ओके, तीन वोट्स हैं वहां पर, तीन वोट्स हैं, जिसको दो वोट्स मिल जाएंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर आपके प्राइम मिनिस्टर भी अगर सेम पार्टी का है और कैबिनेट मिनिस्टर भी एक सेम पार्टी का है तो वो तो अपने जो पसंद का बंदा होगा उसी को सिलेक्ट करेंगे, तो इसमें कुछ बनता नहीं है। ठीक है, इसमें तो वो इंटरफेरेंस हुई नहीं। ठीक है, तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये गलत चीज़ है। ओके, तो सबसे पहला कि आर्टिकल 324 जो है हमारा वो क्या कह रहा है कि हमें एक इलेक्शन कमीशन होनी चाहिए जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे। ओके, जो प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा अपने हिसाब से। ओके, अब इलेक्शन कमीशन उसका काम क्या है, मैनेज करना वो इलेक्टोरल रोल्स को, यानी जो आपके आपके नाम होता है ना इलेक्टोरल रोल्स के अंदर, इलेक्ट्रिक वोटर लिस्ट में, वो कौन प्रिपेयर करता है, ECI करता है। ओके, इलेक्टोरल रोल, इलेक्शन कंडक्ट करना किसके लिए, मैंने अभी डिस्कस किया, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट का ऑफिस, वाइस प्रेसिडेंट, तो ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करता है कि प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा CEC को, इलेक्शन कमीशन को, और उसके लिए एक लॉ बनाना पड़ेगा। ओके, तो प्रेसिडेंट को बोलना पड़ेगा अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आप एक लॉ लाइए तो आप मुझे नाम बता दीजिए, फिर मैं उनको अपॉइंट कर दूंगा। ओके, तो ये है। अब 1991 में क्या हुआ, 1991 में पार्लियामेंट ने पास किया एक इलेक्शन कमीशन, कंडीशन ऑफ सर्विस इलेक्शन कमिश्नर, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट बना दिया। उसमें क्या डिस्कस किया, उसमें बोला कि एक्ट ने बोला कि हम सैलरी डिसाइड करेंगे CEC और EC की। ओके, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की, वो कितनी होगी, वो उतनी होगी जितना एक सुप्रीम कोर्ट का जज होता है उतनी उसकी सैलरी होगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की। बट इसमें यहां पर अपॉइंटमेंट के बारे में कुछ डिस्कशन नहीं की कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर को कैसे अपॉइंट करना है। ओके, देन मार्च 2023 में क्या होता है कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट को, उसके प्रोसेस को, उसको उसने एनालाइज किया। ओके, उसने वो देखा कि कैसे इसको अपॉइंट किया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप ऐसे एग्जीक्यूटिव जो होता है, यानी जो गवर्नमेंट है, मिनिस्टर्स वगैरह हैं, वो अकेले आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट नहीं कर सकते, आपको एक लॉ लाना पड़ेगा। ओके, आपको एक लॉ लाना पड़ेगा, जब तक आप लॉ नहीं लाते तब तक उसने क्या बोला, उसने मैंडेट किया एक सिलेक्शन प्रोसेस विच वुड होल्ड अनटिल पार्लियामेंट से मेक लॉ। उसने बोला कि जब तक आप लॉ लाते हम क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला एक सिलेक्शन कमेटी बनाते हैं, जिस सिलेक्शन कमेटी के अंदर कौन होगा, एक होगा प्राइम मिनिस्टर, दूसरा होगा लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ओके, देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। बट इससे पहले ही हमारी गवर्नमेंट ने एक लॉ ले आई। ओके, जब
ताकि उससे पहले कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस सिलेक्शन कमेटी के अंदर आते तो गवर्नमेंट ने एक लॉ ले आई, उस लॉ का नाम है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट एंड टर्म्स ऑफ सर्विस बिल 2023। ठीक है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, 10/2023 को उसने रीपील कर दिया, जो 1991 वाला एक्ट था उसको खत्म कर दिया। ओके, देन ये जो बिल था, अब इस बिल में क्या बना, जो नया बिल लाया गवर्नमेंट ने, इस बिल में क्या लिखा है, इस बिल में लिखा है कि जो सीईसी और ईसी हैं उनको अपॉइंट कौन करेगा, उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा और कौन रिकमेंड करेगा, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी। और उस सिलेक्शन कमेटी में कौन होगा, उस सिलेक्शन कमेटी के अंदर प्राइम मिनिस्टर होगा, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होगा कोई, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन या लीडर ऑफ लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी लोकसभा में होगा, तो वो इसके मेंबर होंगे, वो सिलेक्शन कमेटी में मेंबर होंगे, वो बताएंगे प्रेसिडेंट को, मैडम ये आप इसको अपॉइंट कर दें। ठीक है, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु इज द मेंबर ऑफ, कौन है मेंबर सिलेक्शन कमेटी ऑफ सीईसी एंड ईसी में, तो उसको आपको पता होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर हैं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं और लीडर ऑफ ऑपोजिशन वो होते हैं इसके मेंबर, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, देन अब प्रॉब्लम यहां पर क्या है, दूसरा ये बिल क्या कहता है कि अगर आपको, अगर बाय चांस लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है, ओके, आपको पता है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के लिए मिनिमम 10% ऑफ सीट्स चाहिए होती हैं लोकसभा के अंदर, बट अगर 10% ऑफ सीट्स ना आए, आपको पता है कि पिछले लोकसभा में, इस लोकसभा में तो आपको पता है कि राहुल गांधी जो है लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, बट इससे जो पिछली लोकसभा थी उसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं था। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि इस ये लॉ बोलता है कि अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है, यानी कोई वैकेंसी है, तो बाकी दो बंदे बचे, ठीक है, दो बंदे यानी प्राइम मिनिस्टर और दूसरा एक कैबिनेट मिनिस्टर, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन को हम नहीं इंक्लूड करेंगे, अगर वैकेंसी है तब भी उसकी रिकमेंडेशन मानी जाएगी, ये प्रॉब्लम है यहाँ पर। ओके, फिर बिल कहता है कि एक सर्च कमेटी, ठीक है, सर्च किस किस को अपॉइंट करना है, तो सर्च कमेटी को हेड कौन करेगा, एक कैबिनेट सेक्रेटरी हेड करेगा। ओके, पैनल ऑफ नेम्स, ओके, देन सैलरी एंड कंडीशन, और इसकी जो सैलरी और कंडीशन वो सेम है। ओके, सैलरी और कंडीशन जो सर्विसें पहले क्या थी, 1991 वाले एक्ट में थी, वो सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट थी। ओके, वो थी सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट, बट जो ये वाला एक्ट आ गया उसके बाद जो सैलरी और कंडीशन ऑफ सर्विस हैं वो किसके इक्विवेलेंट होगी, वो इक्विवेलेंट होगी कैबिनेट सेक्रेटरी के। ओके, तो ये एक प्रॉब्लम आ गई, 1991 वाले एक्ट में वो एक सुप्रीम कोर्ट जज के इक्विवेलेंट थी। ओके, देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पर कौन चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर बन सकता है, तो वो बन सकता है सिर्फ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी यानी कोई IAS ऑफिसर ही बन सकता है और कोई नहीं बन सकता। तो यहाँ पर ये भी इशू भी है कि यहां पर सिर्फ IAS ऑफिसर ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर बनेगा। ओके, देन अब ये आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि उसकी एज कब वो रिटायर होगा, तो जो मेंबर्स होते हैं इलेक्शन कमीशन के वो 6 ईयर्स के लिए ऑफिस होल्ड कर सकते हैं, 6 सालों के लिए, या जब तक उनकी एज 65 ईयर्स ना हो जाए। ओके, तो 65 ईयर्स या 65 ईयर्स एज होगी, या उन्होंने 6 ईयर्स के लिए कंटिन्यूसली वो इलेक्शन कमीशन में थे, तो उनको वहाँ से रिटायर कर दिया जाएगा। ओके, उनको रीअपॉइंट भी नहीं किया जा सकता। ओके, उनको रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता, यानी एक इलेक्शन कमिश्नर को फिर से सेकेंड टर्म के लिए इलेक्शन कमिश्नर नहीं बनाया जा सकता। ओके, देन सैलरी और पेंशन हमने डिस्कस किया, वो होगी कैबिनेट सेक्रेटरी जो होता है उसके इक्विवेलेंट होगी। ओके, रिमूवल कैसे, इसको अगर बाई चांस कोई इलेक्शन कमिश्नर अच्छा नहीं लग रहा, वो अच्छे से कंडक्ट नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा, गवर्नमेंट को बायस्ड है, गवर्नमेंट के फेवर में अगर जजमेंट सुना रहा है, तो अगर उसको रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए उसको जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है, ओके, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है कि पहले रेजोल्यूशन लाया जाता है राज्यसभा या लोकसभा में, फिर उसको 2/3 मेजॉरिटी से पास करवाया जाता है, तो उसी तरीके से अगर किसी इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना है, तो उसी तरीके से इसको रिमूव किया जाएगा। ओके, तो ये है हमारा इम्पॉर्टेंट आपके लिए डायरेक्टली जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे, वो सवाल आपसे यही पूछे जाएंगे, सबसे पहला कि किस आर्टिकल के अंडर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होता है, दैट इज़ अंडर आर्टिकल
324, ओके, ये आपको याद रखना है. देन इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है? इलेक्शन कमीशन का काम होता है इलेक्टोरल रोल बनाना. इलेक्टोरल रोल यानी जो लिस्ट होती है, इलेक्टोरल रोल्स बनाता है. दूसरा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाता है. किस किस का फ्री एंड फेयर इलेक्शन? एक करवाता है लोकसभा के इलेक्शन, ओके, लोकसभा के इलेक्शन करवाता है. देन राज्यसभा के इलेक्शन करवाता है. देन प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ओके, एमएलए यानी लेजिस्लेटिव असेंबलीज का इलेक्शन करवाता है. एमएलसीज के इलेक्शन यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन करवाता है. आपको डायरेक्टली यही पता होना चाहिए कि ये आपको एमएलसीज के इलेक्शन कौन करवाता है? हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है, ओके. देन आपको पूछा जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू द सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो हमारी जो सिलेक्शन कमेटी होगी उसके मेंबर कौन कौन होंगे? एक होंगे प्राइम मिनिस्टर, ओके, प्राइम मिनिस्टर होंगे. देन एक कैबिनेट मिनिस्टर होंगे और कौन होंगे? और होंगे लीडर ऑफ ऑपोजिशन. तीन मेंबर होंगे जो इसके मेंबर्स होंगे, ठीक है. देन अपॉइंट कौन करता है? इनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, ओके. अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. देन वो कितने सालों के लिए बन सकते हैं, अपने कितने सालों के लिए वो इलेक्शन कमिश्नर रह सकते हैं? तो या तो वो 65 ईयर्स एज हो जाए उनकी, 65 ईयर्स एज हो जाए, या वो कंटिन्यूसली 6 ईयर्स के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर बने रहे. तो ये हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल, ओके. तो ये आपको सही से अच्छे से याद रखना है, इसको डायरेक्टली इस पे आपको आ सकते हैं. और इश्यूज़ क्या हैं यहाँ पर? इश्यूज़ हमने पहले भी डिस्कस किए, इंडिपेंडेंस, इलेक्शन कमिश्नर की इंडिपेंडेंस. क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट होगा तो तभी वो फ्री और फेयर इलेक्शन करवा पाएगा. अगर वो रूलिंग पार्टी के प्रेशर्स में काम करेगा, अगर वो रूलिंग पार्टी के प्रेशर्स में काम करेगा तो उससे फ्री और फेयर इलेक्शंस नहीं होंगे, ओके. तो ये आपको याद रखना है. देन सिलेक्शन कमेटी जो है वो कौन डोमिनेट कर रहा है? वो गवर्नमेंट डोमिनेट कर रही है. अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर वैकेंसी होती है यानी अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन वहां पर नहीं होते हैं तो फिर कौन अपॉइंट करेगा? तो फिर अपॉइंट करेंगे हमारी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर. तो इस वजह से जो सिलेक्शन कमेटी है वो डोमिनेट कौन कर रही है? गवर्नमेंट, ठीक है. तो आपके लिए जो मैंने आपको अभी रिवाइज करवाया ये सब चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है. आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई हैं. काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक था हमारा, बिकॉज इलेक्शंस का टाइम है. अभी तो दो स्टेट्स के अंदर इलेक्शन शेड्यूल डिक्लेयर हुआ है. इसके बाद महाराष्ट्र है, बिहार, झारखंड, उनमें भी इलेक्शंस होने वाले हैं, यूपी वगैरह. तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और ये आपको पता होना चाहिए, आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए बी प्रिपेयर्ड.